देखो भाई, दोनों जिम्मेदारी से करना, आखिरी मौका तुम्हारे पास, ठीक है? चलो। तैयार है? तैयार तो मैं हूँ, लेकिन तेरी अकड़ मैं जरूर निकाल दूंगा। निकाल के दिखा फिर, आजा आजा चल। आओ मिलो सीलो सालो कच्चा पागल है, इसलिए आसमान में जाएंगे, चार पत्ते लाएंगे। बच्चे हो क्या? और वो तो हमें भी दिख रहा है, ये गेम कैसे कौन खेलते है? आओ मिलो सीलो सालो। अरे यार मम्मी ने कहा था आउटडोर गेम खेलनी है, तो वही तो खेलने आए। आउटडोर गेम्स ऐसी नहीं होती। फिर कैसी होती है? बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग। अरे भाई जो तुम कह रही हो ना, उसके लिए ये लगता है ये धन धन धन, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हमन नल्ले बेरोजगार, गोज में बोझ। अबे यार ये ना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अरे कुछ एडवेंचर्स करते हैं ना। बोल तो सही रही है गाइस। क्या पहाड़ पे चढ़ जाएगा? ना यार, ट्रैकिंग में यार बहुत मेहनत लगती है यार, पैरों में ये घुटना है ना, खटोरी बाहर आ जाती है मेरी। थक जाएगी, फिर भूख भी लगेगी। हाँ। वैसे है नहीं खाने के लिए। यार ये सब ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ना मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ खा लेते हैं फिर करेंगे। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ओह अरे सिंपल यार, मारा क्यों? अरे मेरे को भी भूख लग रही थी। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ। तुम्हें लग रही है? थोड़ा सा खा लूंगा बस। और तुझे? एक दो खा लूंगा तेरे में से। हमेशा की तरह। तो ऐसा करते हैं, आज चलते मोमोज की रेडी पे। मोमोज पहलेंगे। हाँ मोमोज पहलेंगे, साथ में स्प्रिंग रोल भी पहलेंगे। ओहो मजा ही आ जाएगा, चाइनीज ही चाइनीज होनी। नहीं यार मोमोस बेकार होते हैं, मोमोस खा के मोमोस हो जाओगे ना, मोमोस नहीं। अरे भाई मैं कहूँ गोलगप्पे खाते हैं, पानी पियूंगे 10 कटोरी, मजा आ जाएगा। यार गोलगप्पे कल खाए थे, तो आज चाइनीज खा लेते हैं ना, मोमोस। ओए रुको यार, ये क्या खा रहे हो यार तुम? पुरानी पुरानी चीजें, कुछ नई चीज ट्राई करो ना यार, बहुत टाइम ही बता दे यार, हमने बहुत टाइम से एक चीज नहीं खाई, क्या पता है? क्या? पिज्जा। नाइस यार, पिज्जा तो बहुत समय से नहीं खाया, पिज्जा खा सकते हैं, बट एक्स्ट्रा चीज बर्गर वाला और मार्गरेटा। क्या तो सही रहा है तू, पर पिज्जा की दुकान हमारे यहाँ पे है कहाँ? बहुत दूर दिल्ली में यार, मेट्रो से दिल्ली जाना पड़ेगा। वही तो, इतनी दूर तो मम्मी डांटेगी यार, शाम में जल्दी घर जाना होता है। अरे मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं किस लिए बैठा हूँ? तू क्या पिज्जा बनाएगा बैठ के? या तेरे ऊपर बैठ के जाएंगे? यार मैं मेरे ऊपर नहीं बैठ के जाओगे, मेरा जो घर है ना घर, उसके पीछे पार्क है, पार्क के साइड में एक नया पिज्जा वाला आया है, पिज्जा वाला वो पिज्जा देता है मस्त मस्त। वो भी नल्ला है? अरे वो नल्ला नहीं है, वो है दल्ला। वो पहले दलाली करता था, अब उसने पिज्जा का नया बिजनेस चालू करा है, तो उसके पिज्जे की रेडी पे जाते हैं। और हाँ उसकी रेडी इतनी पटोला है ना, मन तो करता है सारी रेडी खा जाऊं, मस्त है उसके भाई रेडी एक नंबर की, सारे पिज्जा ही बढ़िया पाएंगे अगर रेडी बढ़िया है तो। भाई क्या बोलते हो? मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, क्या हम यहाँ वेट क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो चला पिज्जा खाने। यार शिवम सुबह से भगा रहे हैं, धूप देखिए कितनी है। यार इसने बोला था कि इसके जो घर के पीछे वाला पार्क है ना, वहाँ पे होगा पिज्जा वाला, वहाँ पे भी आ गए हैं। अरे तो यार पार्क तो आ गया, लेकिन पिज्जा वाला नहीं दिख रहा मेरे को, इसी टाइम लगा था, मैंने कल भी देखा था, कल इसी टाइम आया था, 12:04 पे। अबे अब तो नहीं है ना, पिज्जा की इतनी तलब हो रही है भाई, बताना कहाँ पर है। दो पार्क हो गए, मार्गरेटा। अरे भाई बुरा 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 बुरा, वो देख, ओ सही कह रहे हो। फाइनली पिज्जा हॉट पे आ गए हम लोग, दिख रहा भाई तेरी नजर तो भाई बहुत तेज है, बिल्कुल चील की निगाह, चील की। एक्सक्यूज मी भैया, हेलो हेलो ब्रदर ही है। हाँ भैया पिज्जा है? नहीं गोलगप्पे हैं। यार लिखा तो पिज्जा है इस पे, गोलगप्पे यार गलत आ गया। ए सुनो, दिख नहीं रहा है पिज्जा है। लेकिन भैया आपने फिर गोलगप्पे क्यों बोला? जोक कर रहे हो हमारे साथ? तो पूछ क्यों रहे थे तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पिज्जा की दुकान है, पिज्जा ही बेचूंगा ना, गोलगप्पे थोड़ी बेचूंगा। अरे छोड़ो ये सब यार। अरे भैया आप ये बताओ, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के पिज्जा है? भाई मेरे को तो इसकी रेडी देख के लग रहा है, इसके पास ना बिल्कुल विश्व के सबसे तगड़े पिज्जा होंगे, जिसको खाते ही बिल्कुल पेट बिल्कुल आहा हा मजा आ जाएगा, लब लबा। अरे अरे भाई साहब अपने वो कहा है, मेन्यू कहा है बताओ ना। मेन्यू? हाँ मेन्यू वो टंगा सामने जाके पढ़ लो मेन्यू। सिट्टू एक काम कर, देख के आना जा। साले मैट दिया यार, सिट्टू को भेज तो दिया, बट ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्या पढ़ेगा? गया है, देखते कुछ ना कुछ तो करेगा। सिट्टू आ गया, क्या हुआ भाई? यार बड़े अजीब अजीब नाम लिखे हुए हैं तो। जैसे कि मार्केटा फार्म हाउस, और भाई वो सुनहरे मीठे भुट्टे वाला पिज्जा। सुनहरे मीठे भुट्टे? अबे ये कैसा पिज्जा आ गया यहाँ पे आज? देखा मैंने पहले ही बोला था,
एक्सक्यूज मी, दैट्स गोल्डन कॉर्न पिज्जा। ओह ये पढ़ाई कर ली होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मार के लूंगा नहीं होता, इट्स मार्गरेटा पिज्जा। या एग्जैक्टली। अरे भाई ये वो है साउथ दिल्ली वाली, हम तो वो है ना गोलगप्पे वाले। अच्छा तो फिर पिज्जा खाने क्यों आया है? ये खबर लेके आया? मुझे वो लेके आया, मुझे लाइए। हमको तो तुम लेके आए हो, मेरे को तो जगह ही नहीं पता थी। अरे भाई रुक जाओ यार, अब ऑर्डर दे दो खाने के लिए। खाना क्या है भाई? एक ही ऑर्डर होगा, वो है मार्गरेटा, क्योंकि मुझे मार्गरेटा पसंद। नहीं यार मेरे को तो स्वीट कॉर्न पसंद है, स्वीट कॉर्न करेंगे। अरे यार लेकिन वाला खाते हैं ना, बता दे। अरे चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। अरे भैया इस ब्रह्मांड का सबसे हॉट सेक्सी स्लाइसी, जिसको खाती जीभ कट जाए, जल जाए, दांत सारे निकल जाए बाहर, इतना सेक्सी हो कि मुंह जल जाए पूरा, पेट खराब हो जाए, इतना तगड़ा पिज्जा लगा दो आप आज। यार पेट क्यों खराब करना है, हम तो अच्छा खाने आए हैं ना। और भाई तू पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, लड़की हॉट सेक्सी राड़ आ गई मेरे तो मुंह में। अरे वो वैसे भाई पिज्जा आएगा ना, सबकी बराबर बराबर स्लाइस होनी चाहिए। अरे तुम लोग रुको, जब पिज्जा आएगा ना मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि पिज्जा है कैसा। अगर उसमें जहर वहर निकल गया तो कम से कम एक दो पिज्जा मैं खा के टेस्ट कर लूंगा, उसके बाद तुम खाते रहना। ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त भी तो, तुम लोग मुरमुरा गए तो तुम्हारे घर पे जवाब कौन देगा, इसलिए भाई मैं खाऊंगा। सही कह रहा है, सही कह रहा है। एक काम करियो, पहले ना वो ले लियो, उसके अंदर वो डाल लियो ओरिगैनो, टेस्ट आ जाएगा ना मरने से पहले। स्वाद लेना इंपॉर्टेंट होता है, स्वाद लेके मरियो ना। और नहीं तो क्या। अरे पिज्जा भी आ गया। अरे ले आया वो भाई इसमें। हाँ माय फेवरेट मार्गरेटा। अबे कैसा था पिज्जा, ये छोटा सा। ओ माय गॉड कितना क्यूट है ये पिज्जा, छोटा सा और प्यारा सा। अबे क्या हम चिड़िया है क्या जो इसे चुगेंगे, इतना छोटा पिज्जा कौन खाता है, और वो भी दिखने में भी कितना बेकार लग रहा है। अबे क्या बना दिए ये है, देखने लायक भी नहीं है। तो ले तू ही भर ले इसे बेवकूफ। अबे भाई सिट्टू इतना छोटा पिज्जा यार इतना। ओ भाई क्या बनाया है तूने, तुम दोनों ने चुप हो जाओ ठीक है, हमें खा के टेस्ट करने दो, हम बता देंगे कैसा बना है। तो खा ले फिर। ओ भाई तू सुन मेरी बात, क्या बनाया ये है, सारी चीज तो फैली है इसके ऊपर, ये तो गले में रह जाएगा ना भाई। क्या बनाया चाहिए सिट्टू, ऐसा करो मेरे नाम का तुम खा लो प्लीज। क्या हुआ? ये ले पकड़ी से ची। मुझे लगा तो देख के इसकी शक्ल की पिज्जा टेस्टी होगा, बड़ा बोर्ड लगाया, ये नहीं कि अच्छा पिज्जा बना दे। अरे क्या रेडी खोल के बैठा है, तेरे से पिज्जा नहीं बना रहा था अच्छे से, इतना गंदा पिज्जा दे दिया, पिज्जा के नाम पे टट्टी बना के दे दी, इतना गंदा पिज्जा बना दिया। भैया मार्गरेटा के नाम पे ना इस पिज्जा की आपने मार के ले ली है। अबे चल हमें नहीं चाहिए, ले अपना पिज्जा पकड़ चल। अबे अपने गोलगप्पे बेच, कहीं जाके पिज्जा बेच रहा है। अबे देख नहीं रहा हमारे अलावा कोई ग्राहक भी नहीं है इसकी दुकान पे, हम ही आ रखे हैं बस। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब शिवम, हमें दो पार घुमा के लेके आए हो तुम ये टट्टी खाने, इससे अच्छा तो मैं टट्टी कर लूं। अरे छोड़ो यार चलो यहां से। अब तो मुझे कौन सा पता था इसके पास बेकार पिज्जा, मुझे कौन सा पता था, तब तो कहते 12:04 पे वो पिज्जा वाला यही खड़ा था। ए पैसे दो। हाँ पैसे पैसे पैसे, अब पैसे चाहिए तेरे को, किस बात के पैसे दे तेरे को, क्या दिया था तूने हमको खाने के लिए अच्छी चीज। ओ भाई इससे बढ़िया ना तू हमारा गू बेच लिया कर, सुबह आ जाएगा हमारे घर। हाँ और एक काम कर लो, उस गू पे ना पनीर डाल के उसको पिज्जा समझ के बेचने लग जा। ओ सुनो इतनी देर से बक 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 खिजा रहे हो सारे के सारे, हैं कुछ बोल रहे हैं कि गू बना दिया ये बना दिया, भाई मेहनत लगती है उसको बनाने में, तुम नहीं समझोगे इस चीज को। भाई कितनी मेहनत से बना रहा हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ भाई, अच्छा बनाता हूँ, कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, तो तुम गू थोड़ी बोल दोगे उसको। पिछले 50 साल से दुकान लगाते आ रहे हैं हम, बहुत पुराने हमारे दादाजी लगाते थे, फिर पापा ने लगाई और हम लगा रहे हैं तीसरी पीढ़ी, और तुम खराब बोले जा रहे हो इसको। बहुत मेहनत से हमने काम जोड़ा है और बहुत नाम है हमारा। और हाँ जो ये तुम मेरे पिज्जा की बुराई कर रहे हो ना, तुम अगर इतना ही दम है ना और इतना बुरा बोल रहे हो ना मेरे पिज्जा के बारे में, तो क्यों ना तुम इसको बना के दिखाओ तो मानू ना। हम कैसे बनाएंगे, हमको थोड़ी आता पिज्जा बनाना। क्यों निकल गई हवा क्या, है नहीं हो रहा। ओ भाई ये चैलेंज दे रहा, कुछ करना, कुछ तो करना होगा शिवम। शिवम चैलेंज कर दिया इसने, अबे कुछ तो बोल। शिवम कुछ करना पड़ेगा, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, कुछ नहीं किया तो फिर आज तो बेइज्जती हो जाएगी। कुछ तो कर भाई, कुछ कर, कुछ कुछ करना पड़ेगा शिवम, क्यों कुछ तो बोल शिवम, बोल कुछ कुछ। अबे अबे तुम ही ने तो बोला कि बोल कुछ कर कुछ, उसको चैलेंज करना। हाँ हाँ हम भी बनाएंगे पिज्जा, और वो भी ऐसा नहीं तेरे से लाख गुना अच्छा पिज्जा बनाएंगे, तूने तो दे दिया एक घसीटा पिज्जा छोटा सा,
और हम बनाएंगे इतना बड़ा पिज्जा, सबसे बड़ा पिज्जा जो किसी ने ना देखा होगा और ना ही सोचा होगा, वो बनाएंगे हम, यानी मेरी गैंग। हाँ तो चैलेंज एक्सेप्टेड। अब बोल, बोलती बंद हो गई। ठीक है फिर, देखते हैं किसमें कितना है दम। शाम को आओ अपना पिज्जा लेके, कैसा बनाते हो तुम वो तो शाम को पता चलेगा। देखोगे नहीं, देखते रह जाओगे। पिज्जा ही ऐसा होगा ना हमारा, एड बटा पिज्जा, एड बटा। जब आएगा ना वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा। अब टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा, जल्दी से चलो तैयारी करते हैं पिज्जा बनाने की। और सुनो, अगर तुमने मेरे से अच्छा पिज्जा बना लिया ना तो लाइफ टाइम तुम्हें पिज्जा फ्री दूंगा मैं। है फ्री में पिज्जा दोगे? फिर तो बनाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, देख लेंगे। चलो फॉलो मी गाइस। सरकार ता साडी अपनी है तो बंदे नाल। यार शिवम चैलेंज तो ले लिया है लेकिन पिज्जा बनेगा कैसे? और क्या, हमें तो बनाना आता ही नहीं पिज्जा। मुझे तो मैगी भी नहीं बनानी आती ना चाय आती। और अपने पास तो भाई ओवन भी नहीं है ना, वो बड़े वाला कैसे बनाएंगे? अरे चुप करो तुम लोग यार, मैं यूट्यूब पे वीडियो तो देख रहा हूँ कि पिज्जा कैसे बनता है। कुछ पता चला फिर? तो देखो गाइस, हमें सबसे पहले पिज्जा बनाने के लिए चाहिए पिज्जा की सामग्री। सामग्री वो क्या होती है? इंग्रेडिएंट्स। ओके, ओ सामान की बात हो रही है। हाँ सामान चाहिए, सामान जिससे पिज्जा बनेगा। ठीक है, जैसे कि? जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, स्वीट कॉर्न चीज, बेस सॉस, ऐसे एक्स्ट्रा। यार पानी भी तो चाहिए ना हमको। हैं पानी? हाँ। अबे तू पागल है क्या, पिज्जा में पानी का यूज होता है? बेवकूफ, मैदे में पानी डाल देंगे फिर ऐसे ऐसे करके डो बनाएंगे। सही बोल रही है भाई। हाँ तो मैंने कभी बताई होगी तेरे को पानी के बारे में, यूज तो होता ही है पानी। ठीक है, तुम्हें वो ले आऊंगा स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न नहीं, तो वो ले आओ शिमला मिर्च। मैं प्याज टमाटर ले आऊंगा। हाँ तू टमाटर ले आइयो, और वो भी ले आइयो बेस जो पिज्जा के नीचे लगता है। ठीक है, और तू ये यार वो ले आएगी ना प्याज अनियन। हाँ प्याज ले आऊंगी मैं। और चिट्टू तू क्या लाएगा? मैं कैप्सिकम। तो गाइस जल्दी से चलो और मेरे घर पे मिलते हैं। ठीक है। हाँ। और ये क्या लाएगा? मैं भाई, मेरा तो घर है ना भाई इतना बड़ा, 550 गज में और क्या चाहिए? तो घर लाएगा तू? अरे वो बेवकूफ से तुम लोग, मेरा घर इतना बड़ा है उसके अंदर हम पिज्जा भी तो बनाएंगे सबसे बड़ा। तुम्हारा घर तो छोटा छोटा सा है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये तो है। तो मेरे घर में आ जाना तुम सारे बनाने के लिए। ठीक है चलो जल्दी से। अरे एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ मम्मी। अरे सुबह क्यों नहीं बताया, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं नहीं आ सकती। नहीं मैं अच्छा ठीक है यार, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। क्या हुआ? मैं नहीं जा सकती तुम लोगों के साथ, मम्मी का फोन है, मामा क्या जाना है। अरे लेकिन फिर पिज्जा वगैरह में मदद कौन करेगा बनवाने में? अबे ऐसा थोड़ी होता है। और ये चैलेंज? अरे मैं शाम को तुम्हें डायरेक्ट मिलूंगी ना वहीं पे पिज्जा वाले के पास, अभी मेरे को जाने दो। अरे लेकिन ऐसा मत करना। अरे सब ठीक है, ले हट। अरे गोमल, कोई नहीं यार, कोई नहीं, छोड़ना इसके हिस्से का सामान मैं ले आऊंगा। ठीक है ठीक है, जल्दी से चलो और फटाफट मेरे घर पर मिलेंगे सारे सामान के साथ। ठीक है चलो, लेट्स गो। और हर मैदान फतेह। अरे आ गए तुम लोग। देख भाई बेस ले आया, शिमला मिर्च टमाटर सारे ले आया मैं, कोमल मेरा दोनों सामान ले आए। कितना बोला था ना, सारा सामान लेके आए हैं। और तू भाई? भाई सॉस भी ले आया और म्यूनिस भी ले आया पिज्जा की, इससे हमारा पिज्जा और भी टेस्टी हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह, तुम तो सारा सामान ले आए, अब तो मजा आ जाएगा गाइस, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पिज्जा बनाएंगे आज हम लोग। सारा विश्व चौंक जाएगा कि हम लोगों ने इतना बड़ा पिज्जा बनाया पहली बार। तो चलते हैं ना गाइस जल्दी से पिज्जा बनाते हैं, और उस पिज्जे वाले को दिखा देंगे कि हम में भी अदम कुछ करने का कुछ जुनून है हमारे अंदर भी। और फ्री में खाएंगे सारी जिंदगी पिज्जा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट चलते हैं अपना पिज्जा बनाते हैं ना। चलो हाँ। तो भाई पिज्जा बनाना कैसे? इधर मर लेना, कहाँ जा रही है, कैसे बनाना पिज्जा ये बताओ फटाफट से। तू बता रहा, तूने यूट्यूब पे देखा था है ना? हाँ ये तो मैं भूल ही गया। तो मैं बताऊंगा। बताओ ना फिर। वो कहाँ है तवा? तवा तवा क्यों चाहिए? तवा पे वो रखेंगे ना भाई बेस, फिर बना बेस। ये तो रहा। अच्छा ठीक है, इस बेस को छोड़ो, हम
लेंगे मैदा, मैदे को घोलेंगे पानी में, बनाएंगे एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा डो। बेस लिया है तो डो की जरूरत है? अबे तुम बकवास बात मत करो, जल्दी फटाफट सारे काम पे लग जाओ। सिट्टू तू एक काम कर फटाफट से, तू क्या करेगा, तू कुछ वो कर, तू काम कर प्याज काट और वो काट, टमाटर काट, मेयोनीज निकाल, सब कुछ कर, चल। और मैं तू तू इन सबको देख करते हुए। Few moments later. अब भाई हमारे बस के नहीं पिज्जा बनाना, समझे, जितनी मेहनत करती कर ली हमने, ये आराम से, ये क्या, ये टट्टी बनी है। ओ भाई देखो, मेरे बस के नहीं पिज्जा बनाना, अगर तुम तीनों को बनाना तो बना लो, मैं जा रहा हूँ घर। अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई, वो चैलेंज क्यों आ गए, बहुत बोल रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना बड़ा पिज्जा बनाएंगे, चैलेंज मार रहे थे मेरे को, कहाँ है, दिख तो नहीं रहा किसी के हाथ में, और वो कहाँ है तुम्हारा दोस्त एक और जो बहुत मुंह चला रहा था ना, ओ मैं पिज्जा लाऊंगा मैं, ये बड़ा बड़ा चेचे पैपे कर रहा था, हैं निकल गई हवा, क्यों मुंह भी नहीं दिखा रहा क्या वो? सॉरी अंकल, हमने आपसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया और बदतमीजी करी, हमें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ भैया सॉरी, हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, आगे से हम किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हाँ भैया, हमें ना बहुत बुरा लग रहा था कि हमने गलत गलत बोल दिया, इसलिए हम सॉरी बोलने आए हैं। और गलती तो हो जाती है ना सबसे, तो क्या हो गया, स्वाद नहीं बना तो? भाई जिसका काम है ना उसी को करने दिया करो, सिखाया मत करो अपने मुँह से, मत बोला करो, हम भी गरीब हैं भाई, दो रोटी कमाने के लिए करते हैं, कभी कभार बन जाता है खराब, तो क्या ऐसे तुम कुछ भी बोलोगे, गुबू कुछ भी बोलोगे हैं? हमें इतना उल्टा नहीं बोलना चाहिए था आपको, और हमें समझ भी आ गया है कि हमें नहीं आता पिज्जा बनाना, आपसे गलती से खराब बन गया था और हमने ना कुछ बुरा भला कह दिया, जिसका काम उसी को साजे, डोली दारो डोल बाजे। देखो मानता हूँ तुम बच्चे हो इसलिए कुछ भी बोल दिया तुमने, नहीं है समझ तुम्हारे अंदर इतनी, आगे से किसी को भी ऐसे मत बोलना, किसी के सेंटिमेंट को ना ऐसे हर्ट नहीं करते, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ऐसी चीजें मत बोलना किसी को, समझ गए? एक्सक्यूज मी, पिज्जा बना के लाएंगे, अभी मत देखो, अभी मत देखो, हाँ भाई क्या बोल रहा है, रुक जा, पर वो पिज्जा तो हमसे बाद में बात करेंगे इस बारे में, चुप 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 चुप, चैलेंज भी तो पूरा किया है, कैसे पर? कैसे का मतलब बाद में बताऊंगा, अरे भैया चैलेंज पूरा कर लिया ना, अब बोलो क्या कह रहे थे कि बना नहीं पाऊंगा पिज्जा, ये देखो ये रहा पिज्जा, देख ले अबू, देख देख देख, अरे इसमें कोई पिज्जा वीजा नहीं है, ऐसे इतना बड़ा कोई कौन बनाएगा पिज्जा इतना बड़ा, अरे क्यों पिज्जा नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ पिज्जा है इसमें, अरे पिज्जा नहीं तो क्या इतना बड़ा गोलगप्पा है ये, लगता है इस भैया को यकीन नहीं हो रहा है मेरे पे, दिखाना पड़ेगा, दिखा दे, ले दिखा तू, मैं बता रही हूं, ओ पिज्जा दिखाना है, पिज्जा 1 2 3 क्या बोल रहे थे, पिज्जा नहीं बना सकते हम, देखो 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 पिज्जा आ रहा है मुंह
में पानी। अभी देखा है जिंदगी में इतना बड़ा पिज्जा? अरे इतना बड़ा जो लेक्चर दिया ना, ये उसका जवाब, उसका तमाचा आपके मुंह पे वापस ले। एक सॉरी तो बोल दिया, काम भी हमने किया है। वो सॉरी वापस ले रहे हम, वापस ले रहे सॉरी अपना। सॉरी हमें। और हाँ, वो हमने चैलेंज के बदले क्या दे रहे थे भैया हमको? वो तो हमारे पिज्जा, प्लीज गिव मी आवर पिज्जा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, मैं दे दूंगा पिज्जा। इतना बड़ा पिज्जा बना कैसे लिया है लोगों ने, तो पॉसिबल ही नहीं था। ओ भैया हरकत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अबे ठीक है नहीं, पिज्जा दे चल। हाँ हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। रोज आएंगे ऐसे ही, इतने पिज्जा रोज चाहिए हमें रोज। इतने बोरी लग रहे हैं यार, ये तो मजाक है देख के। ओके भैया बाय बाय, थैंक यू। ये भी इनको दे देना। क्यों दे दे इनको, ये तो हमारा है। इनको तो दिखाने से मतलब था ना, देखो बड़ा पिज्जा, अब हम खाएंगे इसको। चले चलो। हाँ ठीक है जाओ जाओ। कैसे बना लिए ने, ये तो मैंने आज तक ही नहीं बनाया, कहाँ से लिया है बना के। अरे शिवम मत गली, पता नहीं पिज्जा कहाँ से आया इतना बड़ा। हाँ ये कैसे आया पिज्जा, हम तो बना ही नहीं पाए थे, हम तो हार मान के घर चले गए थे। बताना वो एक्चुअली हुआ यूं कि जब हम आपस में लड़ रहे थे, हमसे पिज्जा बन नहीं रहा था, तो तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए, और वहीं पर मैंने सोचा क्यों ना उस पिज्जा वाले के पास जाया जाए, और मैं उस पिज्जा वाले के पास गया अपना भेष बदल कर, ताकि वो मुझे पहचान ना सके। और मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप मुझे 10 पिज्जा दे दो फटाफट से, और उसने मुझे पिज्जा दे भी दिए, और मैंने उसकी फटाफट से पेमेंट करी और मैं वहां से निकल पड़ा, और वो जो मैंने 10 पिज्जा लिए थे वो मैंने जोड़ जोड़ कर एक बहुत ही बड़ा पिज्जा बना दिया। दिमाग है लौंडे में, तो मानते हो कि नहीं? बिल्कुल यार। तो चले फिर पिज्जा खाने। ये बदमाश कंपनी।